दोस्तों यूं तो हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे एक्शन हीरो हैं जो कि भैया एक्शन फिल्मों के नाम पर अपने कपड़ों को फाड़ कर अपने बॉडी को ज्यादा एक्शन कम दिखाते हैं। और ऐसे दो तीन हीरोज के नाम तो आप लोग जानते ही होंगे कि भैया जिनका एक्शन जैसे ही शुरू होता है कि भैया उनके कपड़े खुद ब खुद फटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में केवल ऐसे ही एक्शन हीरो हैं। भाई हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्शन हीरो ऐसा है जो कि भैया अपनी एक्शन फिल्मों का एक्शन अपनी जान पर खेल कर दिखाता है मेरे भाई। और वो हीरो है कौन? तो वो है विद्युत जामवाल, जो कि भैया अपनी आने वाली हर एक एक्शन फिल्मों के माध्यम से आप लोगों को इतना रोमांचित कर देता है कि भैया आप अपनी उंगलियों को अपने दांतों तले दबाकर ये बात कहते हो कि भैया विद्युत जामवाल ऐसे एक्शन मक्खन की तरह कैसे करके दिखा देता है मेरे भाई। तो दोस्तों एक बार फिर से विद्युत जामवाल अपनी आने वाली अगली फिल्म यानी कि क्रैक को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसका शानदार लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन टीजर कल जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भैया विद्युत जामवाल अपनी आने वाले इस फिल्म के माध्यम से आपको एक बार फिर से एक्शन फिल्मों की दुनिया में लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे कि इसको बोलते हैं एक्शन। तो दोस्तों कैसा है क्रैक का ये टीजर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों विद्युत जायवाल की आने वाले इस फिल्म को लेकर ये जानकारी कल इस फिल्म के टीजर के सामने से हम लोगों के सामने आ गई है कि भैया ये फिल्म जो है वो फरवरी के महीने में सिनेमा घरों में रिलीज होगी। और भाई इस टीजर के माध्यम से जो एक्शन दिखाते नजर आ रहे हैं मेरे भाई विद्युत जायवाल, उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भैया आप लोग भी वाह विद्युत वाह विद्युत वाह विद्युत कहना नहीं भूलेगा। यानी कि भैया जैसा नाम है ना विद्युत का, वैसा ही स्पार्क, वैसा ही करंट, उतनी ही बिजली उनके एक्शन में हमें देखने को मिलती है। यानी कि भैया जब आप इस फिल्म के टीजर को देखोगे तो पहला ही एक्शन सीक्वेंस वो पैराग्लाइडिंग वाला, यार सुपर सुपर लाजवाब जबरदस्त। उसके बाद भाई वो साइकिलिंग वाला एक्शन सीक्वेंस, उसके बाद पहाड़ियों के बीच से निकलने वाला पैराग्लाइडिंग वाला एक्शन सीक्वेंस, और उसके बाद भैया वो फ्लिप मारते हैं ना बिल्डिंग के अंदर, और वो वाला भी एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार था। यानी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से ये बात हमें समझ में आ रही है कि भाई एक बार फिर से अपने एक्शन मूवी के माध्यम से भैया विद्युत जामवाल हम सभी का दिल जीतेंगे। और अगर हम लोग बात करें इस फिल्म की कहानी की तो देखिए टीजर को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भैया इस फिल्म में विद्युत जामवाल जो है वो एक स्ट्रीट फाइटर के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मुंबई की गलियों में घूमकर फाइटिंग करता है, जिस पर निगाहें टिकती है कि ऐसे गैंग की जो कि डेडली डेविल टाइप का गेम खेलती है, यानी कि जिंदा रहोगे तभी जीतोगे। यानी इस खेल में एंट्री मार लिए तो बॉस वापस तभी आ सकते हो जब तुम जिंदा रहोगे। और इस टीजर में हमें यह बात बताई भी जा रही है इस फिल्म के मुख्य विलेन यानी कि अर्जुन रामपाल के माध्यम से, जो कि भैया ये डायलॉग बोल रहे हैं कि जिंदा रहने के लिए जीतना बहुत जरूरी है, और विद्युत जामवाल जो है उनको जवाब भी दे रहे हैं अपने एक्शन के माध्यम से और ये बात बता रहे हैं कि जीतूंगा भी और जिंदा भी रहूंगा। तो दोस्तों वाकई में एक बार फिर से विद्युत जामवाल ने भाई रंग जमा दिया मेरे भाई। तो दोस्तों आप अपनी कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको विद्युत जामवाल की आने वाले इस फिल्म यानी कि क्रैक का कितनी बेताबी से इंतजार है। और जो बात मैंने शुरू में आप लोगों से कही थी ना विद्युत जामवाल को लेकर कि भैया ये एक्शन हीरो कपड़े फाड़कर बॉडी दिखाने वाला एक्शन हीरो नहीं है, बल्कि भाई जान पर खेलकर एक्शन दिखाने वाला हीरो है, यानी कि एक्चुअल एक्शन हीरो है। सही बोला ना मैंने विद्युत जामवाल को लेकर? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मारने अपडेट्स को जानने के लिए ब्लैक इन को जोर दबाइएगा।